नमस्कार, आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 7 और आज का टॉपिक है, आज के सेशन का टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। सब्जेक्ट मैथ्स है और क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए हम आज का ये सेशन कर रहे हैं। और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रही हैं डॉक्टर तप्सा वर्मा, सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे छात्रों को इस टॉपिक पर, इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। और अपने छात्रों से, अपने व्यूअर से हम बता दें कि आप हमसे जुड़ सकते हैं NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी। और इस टॉपिक पर अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं, सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस उठते हैं सत्र के दौरान भी, तो आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर चैट बॉक्स में जाकर के हमें अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीफोन नंबर हैं, उन पर भी फ़ोन करके आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और नंबर है 8800440559। इसके अलावा ईमेल एड्रेस का विकल्प भी आपके सामने है जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ईमेल एड्रेस है dth.class7@ceiet.nic.in। तो इन डिफरेंट मोड से आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज के सत्र में एरिया एंड पेरीमीटर के दूसरे पार्ट पर हम चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में कुछ आपने सीखी थी चीज़ें और कुछ बातें, महत्वपूर्ण जानकारियां रह गई होंगी। तो ऐसे सभी छात्रों से हम आग्रह करेंगे कि लगातार आप इस आधे घंटे के सेशन में जुड़े रहिए और जानकारी लीजिए हमारी आज के एक्सपर्ट से। उससे पहले, आगे बढ़े से पहले, एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपके साथ शेयर कर दें, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वी आर प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर समिट इन द कंट्री इन 2023। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. और इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद हम शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। और आज के सत्र में डॉक्टर तप्सा वर्मा जानकारी दे रही हैं आप सभी को एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में। जी मैम। नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी सर ने बताया, आज हम पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है उसकी एक हम फुल कर लेते हैं। हमने देखा कि हमारे इस चैप्टर में दो एक्सरसाइजेज आएंगी और इनमें हम जो है पैरेललोग्राम का एरिया यानी चतुर्भुज का, सम चतुर्भुज का एरिया और त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का सर्कमफ्रेंस, वृत्त की परिधि, और हम वृत्त के क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। हमने अपनी पहली कक्षा में जो सम चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज जो है, समांतर चतुर्भुज के हमने क्षेत्रफल पर चर्चा की थी और हमने देखा था कि कैसे आयत और वर्ग आदि का यदि हमको क्षेत्रफल मालूम है तो हम उससे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमको किसी भी तरह के फॉर्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए आज उससे रिलेटेड कुछ पहले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, और यदि मान लीजिए हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हमें उसकी किसी भी लंबाई या ऊंचाई और उसकी चौड़ाई की जानकारी कैसे प्राप्त करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर कि जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हमने ज्ञात किया था, हमने एक्टिविटी के थ्रू ये जाना था कि वो किस तरह एक रेक्टेंगल के एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि आयत में हमारे पास होती है लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, और उनका जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं, उनको हम जब गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल के रूप में हमेशा क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इसी तरह से हमें जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो वो होता है हमारा बेस इनटू यह जानेंगे कि हम कैसे समांतर चतुर्भुज के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज। सबसे पहले
हमें प्रश्न दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि वन ऑफ द साइड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड हमें एरिया ज्ञात करना है उसका। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमेशा ये याद रखें कि हमें जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें हमेशा जो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई और उसका आधार हमें ज्ञात होना चाहिए, और हमेशा हमारे पास ये कुल मिलाकर 3 बातें हैं, एक है क्षेत्रफल, दूसरा है आधार और ऊंचाई। हर बार हर प्रश्न में हमको इन 3 में से कोई 2 चीजें और तीसरी चीज हम बहुत ही सहजता से याद कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल सर? एम आई ऑडिबल सर? जी जी जी, आप आपकी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं हम जी। हाँ जी, तो सर प्लीज पीपीटी आगे बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड करनी है। थैंक यू सो मच। तो प्रश्न आपके सामने है, हमें इस प्रश्न में जो हमारा समांतर चतुर्भुज है उसकी हमें हाइट भी दी हुई है और हमें उसका आधार भी दिया हुआ है। हमें दिया है, जैसा हम आकृति में देख पा रहे हैं, कि जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाते हैं आई, और हमने सूत्र लगाया 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, और हमें उत्तर मिला 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर या 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो जब भी हमें एरिया निकालना होता है, एरिया जो है उसमें हम हमेशा 2 लेंथ का यूज होता है, एक लेंथ उसमें से आधार की होती है और एक होती है, इसीलिए एरिया में जब भी हम यूनिट लगाते हैं तो हम सेंटीमीटर स्क्वेयर लिखते हैं। और हम ध्यान दें यदि, तो हमने जो आधार में हमने यूनिट लिखी है वो लिखी है हमने सेंटीमीटर, जो आधार में हमने यूनिट लिखी है वो हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर, और हमने जो ऊंचाई में यूनिट लिखी है वो भी हमने लिखी है सेंटीमीटर में ही हमने लिखी है वो यूनिट भी, क्योंकि वो हमारे पास सिर्फ एक लेंथ की बात हो रही थी। हम जनरली बच्चे लेते हैं वो इसको बहुत आसानी से 3 चौक 12 लिखकर और उत्तर को वहीं पर ही इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, से उन्हें लगता है, लेकिन यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट्स हमें दी गई हैं प्रश्न में, हमें उत्तर में उन्हीं यूनिट्स को स्क्वेयर यूनिट्स में लिखना होगा, क्योंकि हम ध्यान दें तो सिर्फ 4 और 3 आपस में गुणा नहीं हो रहे हैं, उनके साथ साथ ही सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से गुणा हो रहा है, इसीलिए हमें मिल रहा है सेंटीमीटर का वर्ग। चलिए आइए अब हम इसी से संबंधित एक और अन्य प्रश्न का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है, फाइंड द हाइट एक्स इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड द बेस इज 4 सेंटीमीटर। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो हमें हाइट इसमें एक्स बताई गई है, अर्थात हमें हाइट ज्ञात करनी है कि समांतर चतुर्भुज की, और यहां पर उन्होंने हमें आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमने पिछली बार भली भांति ये सीखा था कि हमारा जिस भुजा पर समांतर चतुर्भुज का लंब पड़ता है हम उसी भुजा को समांतर चतुर्भुज का आधार मानते हैं। इस प्रश्न में बच्चे ये सोच सकते हैं कि जो लेटी हुई नीचे वाली भुजा है वो आधार है, किंतु वो आधार नहीं है। यही गलती हो जाती है एक बार बच्चों से जल्दबाजी में, जो भुजा है जिस पर एक्स लंब रहा वो हमारी आधार की भुजा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, प्रत्येक प्रश्न में बच्चों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है, इस बार उन्होंने हमसे क्षेत्रफल ना पूछकर थोड़ा सा उस प्रश्न का जो रूप है वो बदल दिया है। उन्होंने क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी उन्होंने हमें एक गुणनफल दिया हुआ है, और उन्होंने हमें बता प्रश्न में कि जो संख्याएं गुणा हो रही हैं, जो सूत्र के अनुसार हाइट इंटू बेस है, उसमें से एक अंक 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए दूसरा गुणज क्या होगा उसका। इसीलिए हम इसको हल करते हैं, तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है बराबर आधार गुणा ऊंचाई,
और क्योंकि वो हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, हम लिखते हैं 24 बराबर जो आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और गुणा में जो हाइट दी हुई है 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमें मिला 24 बराबर 4 गुणा एक्स। अब हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं और हमारे बच्चे ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एलजेब्रा में सीख चुके हैं कि यदि दाईं साइड पे राइट हैंड साइड में कोई भी संख्या यदि 4 एक्स से गुणा हो रही है तो यदि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो उसको हम भाग करेंगे। इसलिए हमने लिखा 24 बटा 4 और हमने 24 को 4 से भाग किया तो हमें उत्तर मिला 6 सेंटीमीटर, x बराबर 6 सेंटीमीटर। अर्थात जो ये समांतर चतुर्भुज है इसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ फिर से हम देख रहे हैं कि हमें जो हाइट मिली है वो सेंटीमीटर नहीं मिली है और जो क्षेत्रफल दिया हुआ था वो वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ। चलिए इसी प्रकार का और थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल का एक प्रश्न ट्राई करते हैं हम। द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसकी जो साइड्स हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने शब्द जो प्रयोग किया है वो भुजाएं या साइड्स यूज किया है, इसमें इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि उन्होंने आधार और ऊंचाई दी हुई है। ऐसा क्यों है ये हम अभी आगे समझेंगे। द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस CD इज 3 सेंटीमीटर। अब उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया कि हाइट यानी कि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी गई है किसके लिए, यदि बेस जो है वो CD है, आधार यदि CD है तो हमारी जो समांतर चतुर्भुज है उसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस समांतर चतुर्भुज का। तो फिर से एक बार हमें उन्होंने एरिया का सूत्र लगाने के लिए बोला है तो हम 6 सेंटीमीटर आधार और गुणा में 3 सेंटीमीटर ऊंचाई करेंगे तो हमें अपने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है हम उस पर ध्यान दें। द फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस AD। अब इस बार वो किसको बेस मान रहे हैं, AD को, और AD की जो लंबाई दी हुई है वो हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। जहां एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो हमने CD भुजा पर लंब डाला था B से उसको हमने नाम दिया था ऊंचाई या लंब, और जो AD की लंबाई है हम उसको बोल रहे हैं केवल लंबाई, हम उसको ऊंचाई नहीं बोल सकते या लंब भी नहीं बोल सकते। हम उसको लंब क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब भी हम लंब की बात करते हैं तो वो बिंदु और जिस रेखा पर वो लंब पड़ रहा है उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि सबसे कम दूरी जितनी भी बनती हो। यदि मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो मैं स्ट्रेट लाइन में चलूं, बिल्कुल सीधा सीधा चलूं, तो हम ये भली भांति जान सकते हैं कि मैं सबसे कम समय में पहुंचूंगी और मेरे को सबसे कम कदम चलने होंगे। और वही यदि मैं थोड़ा सा तिरछे होकर जाऊं तो मेरे लिए जो वो डिस्टेंस है वहां तक पहुंचने का बिंदु एक तक वो बढ़ जाए। तो अब हमें इसमें दूसरे भाग के लिए उन्होंने बोला है बेस AD, यानी कि आधार AD है। फिर से जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में सीखा था जहां पर आधार AD है और हमारे पास जो हाइट B से जो लंब पड़ रहा है AD भुजा पर, B से जो लंब आ रहा है AD भुजा पर, ध्यान से देखें वो है x सेंटीमीटर, और हमें क्षेत्रफल मालूम है। चाहे हम एक समांतर चतुर्भुज में आधार कुछ भी ले लें और हम उसका ऊंचाई कुछ भी ले लें, लेकिन उसका क्षेत्रफल बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमने, यदि बच्चों को याद हो तो ये हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था कि यदि मैं इस नीचे वाली भुजा को आधार लेती हूँ तो मुझे जो लंब लेना पड़ेगा यहाँ ऊपर से नीचे लंब लेना पड़ेगा, और यदि मैं इस वाली भुजा को आधार मानती हूँ तो इस बिंदु से लेके जो यहाँ पर पड़ेगा वो लंब होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में मैं ध्यान दूं तो समांतर चतुर्भुज एक ही है,
यदि समांतर चतुर्भुज सेम है तो इसका क्षेत्रफल भी बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसलिए भाग दो के लिए भी मैं क्षेत्रफल जो है वो 18 वर्ग सेंटीमीटर ही लिखूंगी, और मैं लिखूंगी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, और क्षेत्रफल जो मुझे दिया है 18, वहां मैं उसका मान 18 सेंटीमीटर स्क्वायर रखूंगी, और वो बराबर होगा आधार 4 गुना ऊंचाई एक्स के, और इस प्रकार मैं फिर से उसको डिवाइड करूंगी 18 को 4 से, तो मुझको मिलता है 4.5 सेंटीमीटर, मुझे एक लेंथ मिलती है जो कि है हमारी भुजा की लेंथ, एक्स की लेंथ है वो जो बी से लंब पड़ रहा है। चलिए अब सर एक बार पीछे करेंगे स्लाइड को प्लीज, और पीछे, हाँ जी, अब हम सीखेंगे आज एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। नेक्स्ट, अब हम आज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। एक कोई भी माली है उसको यह जानना है कि उसको एक तिकोने पार्क में घास उगानी है, तो उसको घास उगाने के लिए कितने रुपए का खर्चा आएगा। तो उसके लिए हमने पिछली बार भी सीखा था, जब भी हमें किसी लैंड को कवर करना है तो हमें हमेशा उसके लिए उसका एरिया निकालना होगा, और जब भी हमें किसी लैंड पर बाड़ लगानी है या उसकी बाउंड्रीज को देखना है तो हम उसकी सारी भुजाओं को जोड़ते हैं तो हम परिमाप ज्ञात करते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आज त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो हम उसको जानने के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। सभी को मालूम है कि हमने पिछली बार देखा था कि हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज था, हमने उस समांतर चतुर्भुज को बीच में से यानी उसके विकर्ण से बराबर बिल्कुल काट दिया था, और जैसे ही हमने उसको काटा तो हमें दो त्रिभुज मिल गए थे। ये चेक करने के लिए कि ये त्रिभुज जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये सर्वांगसम है या नहीं है, हमने इनको एक दूसरे पर रखकर देखा तो हमने पाया कि ये दोनों एक दूसरे को भली भांति पूरा पूरा ढकते हैं। ये देखिए जो आपके सामने आपको त्रिभुज दिख रहा है, आपको उसके पीछे से कोई भी त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का कोई भी भाग बाहर निकलता हुआ नहीं दिखेगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। और ये मुझे मिले कैसे, मुझे एक समांतर चतुर्भुज के दो टुकड़े करने पर, दो बराबर टुकड़े करने पर ये प्राप्त हुए। तो क्या हमारे बच्चे गैस कर सकते हैं? देवेंद्र सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप गैस कर सकते हैं बिना त्रिभुज का सूत्र जाने कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 सुन पा रहा हूँ जी, जी ये आकृति में भी दिखाया है जो मैं आपको एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ, बच्चों आप देख सकते हैं एक्टिविटी में भी मुझे एक ट्रायंगल मिला है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ, इनको मैंने साथ रखा तो मुझको एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ एएफबीसी, और इनके बीच में से बिल्कुल आधा किया गया है। तो आप सोच सकते हैं यदि पूरे के पूरे जो आकृति है समांतर चतुर्भुज है उसका हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र है आधार गुना ऊंचाई, तो यदि मुझे जो त्रिभुज मिला है वो इस समांतर चतुर्भुज का कितना मिला है? आधा मिला है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एनी गैसेस सर? हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो भी समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा ही आएगा। तो इस प्रकार हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या सूत्र बना? आधा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था आधार गुणा ऊंचाई, इसीलिए उससे आधे का क्षेत्रफल होगा आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जो कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। मैं आशा करती हूँ कि बच्चे इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। ये देखिए जो मैंने अभी बोला वही आपके सामने स्क्रीन पर है कि एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सर नेक्स्ट प्लीज। अब अभी हमारे को जो मिले दो ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल
हमने पता देखा कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या सर्वांशम त्रिभुज कौन से होते हैं बच्चों? ऐसे दो त्रिभुज जो एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, या मैं इसको और अच्छे से परिभाषित करूं तो ऐसी कोई भी दो आकृतियां, चाहे वो वर्ग है, चाहे आयत है, चाहे वृत्त है, जो आपस में एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, तो वो आपस में एक दूसरे के सर्वांशम कहलाती हैं, अर्थात सभी अंग समान हैं, उनकी भुजाएं और कोण बराबर हैं, और ये एक दूसरे को पूरा ढक रही हैं, अर्थात ये दोनों बराबर का क्षेत्रफल शेयर कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं एरिया में भी। नेक्स्ट, तो अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि यदि सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया सेम होता है तो क्या आज ऐसे ट्रायंगल जिनका एरिया सेम होता है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तो आइए इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, मैंने एक ग्राफ पेपर का प्रयोग किया है जिसमें मुझे इसमें आधार दिया हुआ है एक्स वाई जो कि 12 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई ली है मैंने वो है मेरे पास 9 सेंटीमीटर, एक्स जेड की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, और यदि बच्चे ध्यान दे तो चारों रंगों के जो त्रिभुज बन रहे हैं, मैं उनका नाम क्या आप सुन पा रही मुझे? सभी त्रिभुजों का आधार और लंब समान है, इसलिए इन सबका जो क्षेत्रफल है वो भी समान होगा, लेकिन ये सभी आपस में सर्वांशम नहीं है, अर्थात जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है जरूरी नहीं है कि वो आपस में समांतर हो। थैंक यू सो मच सर। तो हमें एक लास्ट में एक सेंटेंस, एक मिनट दूंगी सर। वी कंक्लूड दैट ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया बट द ट्रायंगल इक्वल इन एरिया नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। सर्वांशम चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है किंतु जिनका क्षेत्रफल समान है वो सभी त्रिभुज आपस में सर्वांशम नहीं होते। जी मैम, आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया बच्चों को, छात्रों को, और आज का जो विषय था, टॉपिक था एरिया एंड पेरिमीटर, और जिस तरह से प्रैक्टिकल करके आपने समझाया मुझे लगता है कि बच्चे आसानी से एरिया एंड पेरिमीटर को समझ चुके होंगे, और आपने समय निकाला, जानकारी दी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूअर्स को इस टॉपिक पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक्सपर्ट जुड़ी थी SCERT की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तपसा वर्मा दिल्ली से, और क्लास 7 के लिए इस मैथ्स का सेशन यहीं पर अब संपन्न होता है। आप सभी से हम अनुमति लेंगे, लेकिन चलते चलते साथियों छात्रों आपको एक जानकारी दे दें कि 2023-24 के लिए अगर अभी तक आपने पाठ्य पुस्तकें यानी टेक्स्ट बुक्स नहीं ली हैं तो उसके लिए आपके पास कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं। NCERT की जो किताबें हैं उनको आप अलग अलग जगहों से या अलग अलग माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो उसका PDF वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसके लिए ई दीक्षा पाठशाला और NCERT के मोबाइल ऐप और वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा NCERT के सेल्स काउंटर्स हैं जहां से आप सप्ताह के 7 दिन और हर छुट्टी वाले दिन भी सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच आप जाकर के खरीद सकते हैं, और ये सेल्स काउंटर्स अवेलेबल हैं दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में। और इसके साथ साथ जैसा कि हमने बताया कि आप ऑनलाइन वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप पर। तो ये थी जानकारी आज के सत्र में कक्षा 7 में मैथ्स सब्जेक्ट पर, एरिया एंड पैरामीटर पर, और इसके साथ ही कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। अगला सत्र होगा आपसे कुछ ही देर में, जिसका टॉपिक रहेगा ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, और ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए होगा। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए PME विद्या चैनल पर और NCERT ऑफिशियल पर। धन्यवाद, नमस्कार।